किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा देंगे और हर निर्धन को चल दे, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, हो उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। जी हाँ, आपको बता दें, बुलंदशहर में चाकुओं से गोद कर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या। ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंग नहर की पटरी पर मिला फूफा भतीजे का लहूलुहान शव। कल 3 बजे ट्रांसपोर्ट नगर से अचानक गायब हो गए सुधीर गर्ग और राजीव गर्ग। गंग नहर की पटरी के पास भतीजे और फूफा के शवों के बीच थी 200 मीटर की दूरी। चाकू से कई बार वार कर की गई फूफा भतीजे की निर्मम हत्या। एआरटीओ में जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन फीस जमा करने का काम करते थे राजीव गर्ग। एसएसपी समेत तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों का आरोप, 24 घंटे पहले कह रहे हैं कोतवाली देहात नहीं लगता, अब बताओ का ट्रांसपोर्ट अगर कहां पे आता आप बताओ, बोलने कोतवाली लगे, वहां हमसे झूठ बुलवा रहे हैं, बोल दो घर से गायब है, ये बताओ मत की ट्रांसपोर्ट नगर से गायब है। फिर मैंने एसएसपी के पास गया तो अभी 10 मिनट में बॉडी मिल गई, क्यों ये 24 घंटे में पहले नहीं हो सकता था, क्या पता ज्यादा चल रही होती। अच्छा रास्ता, अच्छा ये जो डेड बॉडी जो मिली है ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे पापा और एक बाबा है। ये कल 4-5 बजे से गायब थे, मैं 7-8 बजे पुलिस थाने, मैंने सब लिखवा दिया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सुबह भी 4 बजे गया हूँ FIR लिखवाने, लिखी नहीं उन्होंने, देहात में कोतवाली, फिर कहते हैं सारा काम अच्छे पे करते हैं हम। अब डेड बॉडी कहाँ मिली है भैया? अभी ये नहर के बीच में मिली। अच्छा, डेड बॉडी पे किस तरह के निशान है? बहुत चक्कू मारे हुए हैं पूरी बॉडी में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।